हेलो फ्रेंड्स, हमारे सब्सक्राइबर है कविता रानी करके, तो उन्होंने हमें कुछ लिंक्स भेजे हैं और कुछ फाइल भेजे हैं, तो उस फाइल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो है टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। ये देख पा रहे होंगे उन्होंने जो भेजे हैं IOT डिजिटल असेसमेंट टाइपिंग टेस्ट। तो जो ऑनलाइन टाइपिंग आपका जो होता है वो किस तरीके से होता है उसका ये डेमो है, ठीक है। तो ये डेमो का लिंक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये डेमो का लिंक है, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके जिस पेज पे आप पहुंचने वाले हो उस पेज पे हम लोग अभी जाते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से कर लिया है कॉपी कंट्रोल सी से, और यहाँ पे हम लोग इसे कर देंगे कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लॉग इन का पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है, इसके पहले भी मैंने यहाँ पे एक बार लॉग इन करके देखा हुआ है। तो कोई भी एक विंडो को हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली साइन इन कर देना है, ठीक है। तो आपने इंटरफेस देख लिए हो कि वहां पे आपकी फोटो आ रही है, या यहाँ पे आपको आ जाएगा व्यू इन किस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो एग्जाम पेपर को, तो इस तरीके से आएगा। और नीचे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर MCQ बेस्ड, और उसके बाद में होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। वो किस तरीके से होगा उसी बारे में ये वीडियो है, तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो यहाँ पे आप ये इंग्लिश या हिंदी में देख सकते हो जो भी इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया हिंदी, अब हम लोग कर देंगे इंग्लिश। और यहाँ पे डिफॉल्ट लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी डिफॉल्ट लैंग्वेज को जो है सिलेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर देना है। आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करने के बाद में आपका जो MCQ टेस्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी सारे क्वेश्चन है, बढ़िए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग ग्रुप 2 की बात करेंगे जिसमें होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। तो हम लोग जल्दी से इसको यहाँ पे नेक्स्ट 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 कर देते हैं सारे क्वेश्चन। इसको नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे सबमिट का आपको बटन दिख जाएगा, सबमिट पे हम लोग ने क्लिक कर दिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से समरी आ रहा है, इसको हम लोग यस कर देंगे। और यस करने के बाद में ग्रुप 1 को एस करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम लेफ्ट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, माइक को यहाँ लगा देता हूँ। तो टाइम लेफ्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 10 मिनट का टाइमिंग था जो 9 समथिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यानी रिवर्स यहाँ पे टाइम चल रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाईलाइट हो रहा है ये वर्ड द, तो यहाँ पे जो है आपको टाइप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो द है उसको इस तरीके से आप टाइप करना है, और जो भी वर्ड आपको ऊपर हाईलाइट हो रहा है उसको आपको इस तरीके से टाइप करना है। और ये जो है एक डेमो है, और डेमो जिस तरीके से आपका होता है उसी तरीके से आपका जो है एग्जाम में भी होता है। तो जितने भी एग्जाम्स होती है गवर्नमेंट की, तो उसमें इसी टाइप से आपको देखने को मिलेगी आपका टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये डेमो एक है आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से आपका अगर ऑनलाइन एग्जाम अगर होता है तो इसी तरीके से आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप बैक भी जा सकते हो, जिस तरीके से NVS में भी जैसे बैक जाने का ऑप्शन था उसी तरीके से यहाँ पे भी आप बैक जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं, बात करते करते कर रहे करके थोड़ा सा लेट हो गया है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो समय है 8 मिनट और 44 सेकंड यहाँ बचे हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा विंडो बना हुआ है, यहाँ पे आप देख पाओगे यू आर व्यूइंग टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। आप हम लोग टाइपिंग टेस्ट व्यू कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं की स्ट्रोक काउंट दिया है 198 की स्ट्रोक मैंने यहाँ पे यूज किया है। अगर मैं बैक स्पेस वगैरह अगर यूज करता तो यहाँ पे की स्ट्रोक जो है वो बढ़ जाते। इरर जो है मैंने यहाँ पे इरर कोई भी नहीं किया है, यानी 100% एक्यूरेसी है। टोटल वर्ड काउंट आप देख पा रहे होंगे 29 है, टाइप्ड वर्ड काउंट 29 है, पेंडिंग वर्ड काउंट यहाँ पे 0 है। तो अगर आप दिया हुआ पैसेज अगर दिए हुए समय में अगर आप टाइप कर देते हो तो पेंडिंग वर्ड काउंट जो है आपका 0 आएगा, बट अगर दिया हुआ पैसेज अगर काफी बड़ा है और आप उसे दिए गए समय पर अगर नहीं टाइप कर पाते हो तो यहाँ पे आपको पेंडिंग वर्ड काउंट में यहाँ पे दिखाएगा कि आपके 10 वर्ड काउंट जो है वो रिमेनिंग है, या 15 या 20 जितने भी वर्ड्स आपके पेंडिंग होंगे वो यहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरीके से ही कुछ आपका इंटरफेस होगा, और ये IOT डिजिटल का है, ठीक है। तो जितने भी आप एग्जाम देते होंगे ऑनलाइन तो आप देख पाते होंगे कि IOT डिजिटल ही आपको सेंटर ज्यादा करके मिलता है। तो इसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है कि टाइप द हाईलाइटेड वर्ड, यू कैन एडिट द टाइप टेक्स्ट, करेक्ट और रॉन्ग वर्ड्स, टर्न ग्रीन रेड रिस्पेक्टिवली, यू आर नॉट अलाउड टू सबमिट बिफोर टाइपिंग द इंटायर टेक्स्ट ऑन टाइम आउट, योर आंसर विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली। तो आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। हम लोग इसको कर देंगे सबमिट। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख पाओगे आप लोग टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे सेक्शन का नाम दिया गया है।
यहाँ पे ग्रॉस की स्ट्रोक्स काउंट की गई है 198 और यहाँ पे जितने समय में हमने इसे जो है कंप्लीट किया है उसका जो है समय दिखा रहा है 2.88 सेकेंड। और उसके बाद में आपको जो है इसको ये एस करना होगा। एस करने के बाद में यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आपका जो है कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा तो उसमें एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो इसी टाइप से कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और टाइपिंग टेस्ट की अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से हमने अभी टाइपिंग टेस्ट दिए है उसी तरीके से आपको जो है देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यही था गाइज एक वीडियो। इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ भी अगर देखना होगा तो इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डायरेक्टली आप जो है वो लिंक पे ही जाओगे तो आपको सारा चीज़ ये दिख जाएगा। अगर आपके अगर ज़्यादा कमेंट हुए तो ये सारे पीडीएफ जो है मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा। ये वर्ड फाइल में है, ये प्रोटेक्टेड जो है, इसमें हम लोग एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड व्यू में है। अगर इसको एडिट करने जाएंगे तो ये सारा मेसअप हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आपके कमेंट हुए तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।